दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में हद तो तब हो गई जब बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने विराट कोहली से लड़ने के लिए उन्हें घेर लिया। लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी कि मैदानी अंपायर तक को बीच में आना पड़ गया। लेकिन आखिरकार विराट और बांग्लादेशियों के बीच में लड़ाई हुई क्यों? इस लड़ाई की क्या बड़ी वजह थी और कैसे बांग्लादेश को आने वाले वक्त में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? दोस्तों आपको इस लड़ाई का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने इस तरीके की हरकत विराट कोहली जैसे दिग्गज के साथ कर सही किया या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने हमेशा बांग्लादेश की गर्दन को अपने हाथ में जकड़ कर रखा। वो चाहे पहला दिन हो दूसरा दिन हो, भारतीय टीम हर एक डिपार्टमेंट में बांग्लादेश से हमेशा आगे रही। इस मैच की शुरुआत में हमने बांग्लादेश की टीम को 227 रन पर ऑल आउट कर दिया था। दोस्तों केवल 227 पर ऑल आउट नहीं किया बल्कि उनके आगे 314 रन भी बनाए थे। माना कि रन ज्यादा नहीं थे, लेकिन दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अपने गेंदबाजी में इतने सेट थे कि उन्होंने दूसरी इनिंग्स में भी बांग्लादेशियों को 231 पर रोक दिया। ये थी एक शानदार गेंदबाजी जिसके चलते हमें 145 का ही टारगेट मिला जीतने के लिए। दोस्तों टारगेट बड़ा नहीं था, लेकिन भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी राहुल के आउट होते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। राहुल 2 रन, शुभमन गिल 7 रन तो पुजारा 6 रन पर आउट हो गए। दोस्तों 6-7 रनों की पारियों से मैच नहीं जीते जाते और विराट कोहली इस बात को बखूबी जानते हैं। अब वक्त था इस वॉचमैन पारी को अच्छे तरीके से खेलने का, विकेट बचाने का, रन नहीं लगाने का। शायद इसीलिए 22 गेंदे खेलकर विराट ने केवल एक ही रन बनाया था। लेकिन दोस्तों फिर पारी के 20वें ओवर में कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी भारतीय फैन ने अपने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। 220वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली कुछ खास नहीं करना चाह रहे थे, जो उन्होंने पिछले 21 गेंदों में किया था वही करना चाह रहे थे। मैथ्यूसन की गेंद पर वो उसे डिफेंड करना तो चाह रहे थे, लेकिन कोशिश नाकाम रही और किंग कोहली के बल्ले पर गेंद लगने के बाद शॉर्ट लेग पर खड़े खिलाड़ी मोमिनुल के हाथ में चली गई। उन्होंने भी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए इस कैच को पकड़ लिया। अब ठीक है दोस्तों, विराट कोहली का विकेट गिर गया, इससे बुरी बात हमारे लिए क्या होगी, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने अपनी हदें पार कर दी। पीछे से ताइजुल इस्लाम कोहली को गालियां देते नजर आए। इतना ही नहीं, वो कोहली के आगे सेलिब्रेट भी करना चाहते थे। शाकिब अल हसन ने बीच बचाव किया, लेकिन फिर विराट कोहली की गर्मा गर्माई शाकिब के साथ भी हुई, ताइजुल इस्लाम के साथ भी हुई। मामला इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि मैदानी अंपायर को बीच में आना पड़ा, वरना ना जाने क्या होता। लेकिन दोस्तों बांग्लादेशियों ने इतनी गिरी हुई व तुच्छ हरकत करके एक बार फिर से अपनी औकात दिखा ही दी है। ये एक्साइटेड खिलाड़ी मैदान में केवल यही हरकतें कर सकते हैं, बाकी तो इनके कुछ बस की नहीं। लेकिन ये नहीं जानते कि विराट कोहली को उकसाकर इन्होंने अपने बुरे वक्त को पुकार लिया है और आने वाले वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा सेंचुरीज विराट कोहली की बांग्लादेश के खिलाफ ही देखेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। हालांकि दोस्तों कोहली ने मैच्योरिटी दिखाई और मैदान से बाहर फिर बिना कुछ कहे चले गए, लेकिन कोहली गुस्सा तो बहुत थे। दोस्तों इस पूरे वाक्य में गलती किसकी लगी आपको, नीचे कमेंट करके सच्चे दिल से जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।